हैं। बिकॉज अभी के टाइम में अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में सबसे बड़ी चीज तो है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। और आपने देखा होगा अगर निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो वो आपको रेगुलर बेस पे पॉजिटिव रिटर्न बता रहे हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो या आपने होल्ड करके रखा है तो वहां पे आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। इसलिए क्या है, अभी जो मार्केट की कंडीशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे ऐसे काफी व्यूवर्स हैं जिनकी ये क्वेरी है कि सर HDFC का जो डिफेंस फंड है यहाँ पे लमसम प्लान भी बंद है और SIP भी बंद है, तो क्या सर यहाँ पे हमेशा के लिए SIP है और लमसम बंद रहेगा, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। एंड सेकेंड क्वेरी ये है कि सर हमने बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम देखी हैं जिनका AUM जिनका फंड साइज जब बढ़ जाता है तो पर्टिकुलर फंड मैनेजर धीरे धीरे वो क्या करता है, लमसम बंद करता है, फिर SIP बंद कर देता है। तो क्या सर जैसे जैसे फंड का AUM फंड साइज बढ़ता है तो हमको हमारा इन्वेस्टमेंट है वो खत्म कर देना चाहिए, हमारा पैसा निकाल लेना चाहिए? तो आज की वीडियो कंप्लीट वॉच करना, बिल्कुल क्लियर आपको बताऊंगा जिससे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है AUM का। देखो अगर AUM की बात करें HDFC डिफेंस फंड की तो इसका AUM को इतना बड़ा भी नहीं है। अगर AUM की बात करें तो 3,665 करोड़ का AUM है। इससे भी बड़े बड़े AUM के फंड मार्केट में है जिनका अभी के टाइम में SIP भी चल रहा है, लमसम भी चल रहा है। जैसे मान लीजिए आप बात करते हैं निपोन इंडिया स्मॉल कैप की, इसमें लमसम काफी टाइम पहले से बंद है लेकिन AUM देखोगे तो इसका AUM काफी ज्यादा बड़ा है। फिर भी यहाँ पे देख लीजिए SIP प्लान है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है, आप सिंपली आपकी SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला तो ये कंसेप्ट है आपका बिल्कुल ही गलत है कि जो पर्टिकुलर फंड है अगर उसका AUM बढ़ जाता है, फंड साइज बढ़ जाता है तो हमें हमारा पैसा निकाल देना चाहिए, जिससे क्या होगा फ्यूचर में हम SIP भी नहीं कर सकते, लमसम भी नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत इसलिए है बिकॉज क्या होगा अगर पर्टिकुलर फंड है उसका साइज बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये है काफी इन्वेस्टर हैं उस पर्टिकुलर फंड की तरफ अपना विश्वास बना रहे हैं। AMC ने जितने भी इन्वेस्टर है उनको एक ट्रस्ट बना के दिया है कि भैया आप अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में आपको काफी बेटर हम कॉर्पस बना के देंगे। इसलिए आपका जो AUM वाला कंसेप्ट वो क्लियर आपको हो गया होगा। ये कोई डिपेंड नहीं करता है AUM छोटा हो बड़ा हो, आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हो। AUM देख के आप अगर आपका पैसा निकालते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेवकूफी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये था कि सर अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो SIP है वो भी बंद पड़ी है और लमसम भी बंद पड़ा है। तो देखो पहली चीज तो है आपका जो पहली वाली क्वेरी थी, पहले मैं उसको ले लेता हूं। आपने बोला था कि सर AUM बढ़ जाता है तो SIP भी बंद हो जाती है, लमसम भी बंद हो जाता है। अभी क्या है अगर HDFC डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या है 22 जुलाई 2024 से SIP भी बंद हो गई और लमसम तो काफी टाइम पहले से बंद था, लेकिन 22 जुलाई 2024 से पहले जिसने भी SIP कराई है ना उसकी मंथली SIP कंटिन्यू चलती रहेगी, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि सर अगर मान लीजिए SIP बंद हो गई, लमसम बंद हो गया इसका AUM बढ़ने के बाद तो क्या होगा मेरे इन्वेस्टमेंट का, मेरा पैसा अटक जाएगा, ये गलत कंसेप्ट है। मैंने इस पर डेडिकेट वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप वॉच कर लेना। अब सेकंड क्वेरी है आपकी कि सर यहाँ पे देख लीजिए अगर HDFC डिफेंस फंड की बात करें तो SIP भी बंद है और लमसम भी बंद है, तो क्या सर ये पर्टिकुलर जो HDFC डिफेंस फंड है इसमें SIP और लमसम है ये हमेशा के लिए बंद रहेगा या AMC इसको ओपन करेगी? तो यहाँ पे सिंपली देखो इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे XYZ क्या है कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे आपने क्या करा 1,000 रुपए इन्वेस्ट करे। अब आप जो 1,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे ना ये पैसा किसके पास जाएगा, ये पैसा जाएगा आपका फंड मैनेजर के पास। अब फंड मैनेजर के पास पैसा गया, अब फंड मैनेजर क्या करेगा आपका जो ये पैसा है ना अब ये देखेगा पर्टिकुलर जो फंड है जिसमें इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इसमें इसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है। अब क्या करेगा जितने भी वो स्टॉक है जितनी भी होल्डिंग है वहां पे आपके पैसों को टुकड़े करेगा और वहां पे इन्वेस्ट कर देगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है जो पर्टिकुलर फंड मैनेजर होता है उसका काम होता है हमारे पैसों को मैनेज करने का, लेकिन जो फंड मैनेजर है उसको AMC किसी भी प्रकार की ना तो कोई फीस देती है ना कोई सैलरी देती है,
तो बात आती है कि सर जो फंड मैनेजर है ये कमाता कैसे है। तो क्या होता है, हम जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा पर्टिकुलर सभी फंड के अंदर एक हमसे रेशियो लिया जाता है जिसका नाम होता है एक्सपेंस रेशियो। अब क्या होता है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फंड मैनेजर की सैलरी होती है। अब ये कैसे करती है, जैसे मान लीजिए आज आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करे, अब मान लीजिए पर्टिकुलर जो फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो 0.50% है, तो 1,000 का 0.50% पैसा निकलेगा। अब मान लीजिए ये 10 रुपए आ गया, फॉर एग्जाम्पल, ये कैलकुलेशन मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 1,000 का आपने 0.50% निकाला, मान लीजिए 10 रुपए आया, अब ये 10 रुपए है ना, जो एक्सपेंस रेशियो लगता है वो हमेशा आपका 365 डेज, एक साल का लगता है। तो यहाँ पे 365 डेज से क्या होगा, ये भाग देंगे। अब जितना भी पैसा आएगा वो रेगुलर बेस में क्या होगा, आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वहां से कट होगा, लेकिन वो आपको शो नहीं करते हैं। वो शो इसलिए नहीं करते हैं, रेगुलर बेस पे आपको जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव रिटर्न मिलता है उससे पहले ही एक्सपेंस रेशियो काट लेते हैं, उसके बाद आपको रिटर्न शो करते हैं, इसलिए हमको पता नहीं पड़ता है कि एक्सपेंस रेशियो कटा है या नहीं कटा है। तो जो भी एक्सपेंस रेशियो डेली बेस पे कटता है वो किसके पास जाता है, फंड मैनेजर के पास जाता है। अब सीधी सी एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कोई नया पैसा नहीं आएगा, नया लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, नई SIP नहीं आएगी, तो जो फंड मैनेजर है उसकी इनकम कहाँ से होगी। बस इनकम का उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, जो उसकी पुरानी SIP चल रही है, जो भी इनकी इंस्टॉलमेंट आएगी तो जितने की भी वो इंस्टॉलमेंट जमा कराएंगे उसका सिंपली जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उस हिसाब से क्या होगा, वहां से उसकी इनकम जनरेट होगी। लेकिन यहाँ पे लमसम बंद है, SIP नहीं है, नए अकाउंट की SIP बंद है, तो यहाँ से उसकी इनकम जनरेट नहीं हो रही है। सेकंड चीज है, तो फंड मैनेजर है यहाँ पे उसको जितनी ग्रोथ मिलनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है, वो कमा रहा है लेकिन कम कमा रहा है। तो पहली चीज तो ये है, नॉर्मल सी बात है, फंड मैनेजर एक पढ़ा लिखा बंदा है, मान लीजिए वो डिजर्व करता है कि मैं 80,000 रुपए पर मंथ कमाऊं, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, मान लीजिए वो कमा रहा है 40,000 रुपए पर मंथ, तो नॉर्मल सी बात है भैया, वो तो ये बोलेगा कि भैया मुझे काम करना ही नहीं है, कि मैं तो किसी दूसरे फंड में अप्लाई कर दूंगा, जहां से क्या होगा, जहां पे SIP के भी नए अकाउंट खुलेंगे, लमसम के भी नए अकाउंट खुलेंगे, जिससे मुझे भी भैया मेरी जो सैलरी है उसमें भी मुझे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बिकॉज क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर नया पैसा आएगा तो नॉर्मल सी बात है एक्सपेंस रेशियो के रूप में जो फंड मैनेजर है उसको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फंड जो AMC है उसको कहीं ना कहीं ये दिक्कत परेशानी रहेगी। फंड मैनेजर रेगुलर बेस पे AMC को ये बोलेंगे कि भाई कि सर या तो आप SIP ऑन करो या लमसम प्लान ऑन करो, जिससे क्या मार्केट में नया पैसा आए, मार्केट में नया पैसा आएगा तो फंड मैनेजर है उसको इजीली इन्वेस्टमेंट करेगा। स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, मार्केट में मनी रोटेट होगा, तो नॉर्मल सी बात है इन्वेस्टर को भी रिटर्न मिलेगा और जो फंड मैनेजर है इसको भी एक्सपेंस रेशियो के रूप में तनख्वाह मिलेगी। इसलिए क्या है, हमेशा के लिए अगर आप सोच रहे हो SIP बंद है लमसम बंद है, तो ये कंसेप्ट गलत है। लमसम का हम नहीं कह सकते कि लमसम ओपन हो या नहीं, लेकिन SIP थोड़े टाइम बाद इसकी ओपन हो जाएगी। बिकॉज क्या है, पर्टिकुलर फंड में अगर जब तक नया पैसा नहीं आएगा मार्केट के अंदर तो रोटेशन नहीं चलेगा, अगर रोटेशन नहीं चलेगा तो कंप्लीट जो फंड है वो ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी के लिए अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे SIP और लमसम बंद है, वो इसलिए बंद है बिकॉज क्या है, अगर फंड की बात करें तो फंड मैनेजर का कहना है कि अभी हमारे पास जितना भी पैसा आया इन्वेस्टर का वो सफिशियंट है और अभी हम इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अभी हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इससे ज्यादा अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो हम उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। बिकॉज अभी के टाइम में अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में सबसे बड़ी चीज तो है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, और आपने देखा होगा अगर निफ्टी 50 की बात करें तो वो आपको रेगुलर बेस पर पॉजिटिव रिटर्न बता रहे हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो या आपने होल्ड करके रखा है तो वहां पे आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। इसलिए क्या है, अभी जो मार्केट की कंडीशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो SIP है और लमसम बंद है, जिससे कि म्यूचुअल फंड में नया पैसा नहीं आए, नया पैसा आ गया तो फंड मैनेजर उसको कहाँ इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज अपने बैंक में तो रख नहीं सकता है, उसको बाउंडेशन हो जाएगी कि भैया इन्वेस्टर का पैसा है तो यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या है, यहाँ पे SIP और लमसम बंद है, लेकिन जल्द ही आपकी जो SIP है वो स्टार्ट हो जाएगी, लमसम का हम नहीं कह सकते। ये कंसेप्ट सिर्फ मैंने इसलिए बताया है फंड मैनेजर वाला, जिससे आपको ये पता चल सके कि भैया फंड मैनेजर है उसको इनकम कहाँ से होती है। जब तक फंड में नया पैसा नहीं आएगा तो उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो इनकम है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, उसके जो पुराने SIP अकाउंट है उसकी जितनी इनकम हो रही है सिर्फ उतनी ही इनकम उसको देखने को मिलेगी। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।